एक तमाशा है, एक तमाशा हो गया जिसका दिल चाह रहा है वो आता है, दरखास्त देता है और एफ आई आर हो जाती है। और कल तो एक निराली बात हुई जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग गए और ये मालूम करने की कोशिश करी कि ये सब क्यों हुआ, तो जवाब आया कि साहब वो तो बड़े मासूम लोग थे, आंखों में आंसू लेकर आए और हमने एफ आई आर दर्ज कर दी। इतनी रहमदिल पुलिस, इतना एहसास दिल में रखने वाली पुलिस, सब कहां था ये एहसास जब उस 7 बरस की बेटी का पूरा परिवार रो रो कर ये कह रहा था कि रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार किया ना जाए, तब कहां था ये एहसास? लेकिन आज वो दौर नहीं है। और मैं अभी बर्बादी के लिए हम और आप तैयार, बर्दाश्त की एक कुव्वत होती है और वो कुव्वत अब खत्म हो चुकी है। और जब हमारा मुकद्दर, जब हमारा मुकद्दर आपने जेल तय ही कर दिया है तो फिर घर बैठ कर नहीं, लड़कर जाए। पिछली बार ये सोचकर कि नहीं शायद ये जुल्म की इंतहा बस यहीं तक है, अपने पैरों को समेटे रखा, इस बार वो पैर नहीं समेटे। हम रामपुर की इंतजामिया से भी मिले हैं और शायद परसों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी डीजीपी साहब से मिलने वाला है लखनऊ। आज मैं और करीबन समाजवादी सम्रांतों के कुछ जिम्मेदार और समाजवादी पार्टी के करीबन 8 से 10 विधायक और सांसद डीआईजी साहब के पास गए थे। उनको पूरे हालात और वाकया बताया है। अगले 4 से 5 दिन में इन एफआईआर की सच्चाई फाइनल रिपोर्ट में ही लग जाती और ये झूठी एफआईआर कराने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद हमारे पास सिवाय सड़कों बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और जितना मेरी बात हिम्मत करवा और जो बुजुर्ग मौजूद है, जब जब रामपुर ने अगुवाई करी है पूरे उत्तर प्रदेश ने और मुल्क ने उसका साथ दिया है। हिम्मत करके इंशाल्लाह आगे बढ़ो, एक बार पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ होगा। इंशाल्लाह लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और जब मैं कहा क्यों तो उतार के चप्पल पहनकर आया हूँ, जहां तो वकार और गैर के साथ जिएंगे। कोई शहर का बदनाम और खटिया इंसान रामपुर वालों पर या शरीफ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और जब रामपुर वालों की इज्जत पर आएगी तो रामपुर वाले अपनी इज्जत के लिए लड़ाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।